देखिए, हम लाइब्रेरी का छोटा सा सेटअप लगाए हैं, लगभग 50-52 सीटें हमारी। तो देखिए, यहाँ पर लोग लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि देखिए कितने स्पेस कितना दें एक सीट का, या हाइट कितनी रखें उसकी, या अंदर को कितनी जगह दें। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें समझेंगे, और देखिए कितना खर्च इसमें लगा है। जो चेयर्स आती है हमारी, ये चेयर्स कितने पैसे का पड़ा है, और एक सीट पूरी कंप्लीट होकर कितनी पड़ी है, लाइट के बोर्ड कौन से लगवाने चाहिए, वाईफाई का, सब चीज़ का आज देखिए हम बात करने वाले हैं। देखिए देखिए, सीट आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। सीट है, देखिए ये एक बच्चे की सीट है ये, ठीक है। तो देखिए देखिए, इसका जो स्पेस होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस होता है ये, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस होता है ये, इस तरीके का ये है हमारा 25 इंची, यानी कि 2 फिट से 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल फिक्स साइज़ है, इससे ज़्यादा अगर आप कर लेते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे छोटा नहीं कर सकते आप, ठीक है। 24 इंच भी कर सकते हैं आप, 23 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। एक आदमी अच्छे तरीके से में पढ़ सकता है। और देखिए ये वाली जो जगह होती है, ये जगह जो होती है, ये अंदर वाली जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है, देखिए ये कितनी गहराई देते हैं लोग। तो देखिए इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हमारा 18 इंची है, यानी ये 18 इंची है, ठीक है, इस तरीके से 18 इंची, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये, ठीक है। ये इस तरीके से 25 इंची, आप 26 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये 25 इंची, और ऐसे जो है ये हमारा 18 इंची, ठीक है। तो ये देखिए, और इसकी जो हाइट होती है, देखिए ये कन्फ्यूज रहते हैं कि हाइट कितनी करनी चाहिए, कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। देखिए इसकी परफेक्ट हाइट है, देखिए यहाँ से लेकर जो ज़मीन को टच कर रहा है ये, इसकी जो हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास देखिए इसकी जो हाइट है ये यहाँ से लेकर ज़मीन को टच कर रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पास 4 फिट है, ठीक है, पूरा 4 फिट इसकी हाइट है हमारे पास। आप देखिए कभी कभी के कुछ लोग 5 फिट भी कर देते हैं, कुछ 3.5 भी रहने देते हैं, लेकिन 4 फिट परफेक्ट साइज़ होता है इस तरीके से, ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है कि देखिए, कुछ लोग आपको, बहुत लोग ये बताने वाले मिल जाएंगे कि देखिए ये जो चेयर्स होती है हमारी, देखिए आप बताइए, देखिए ये जो चेयर्स है हमारी, देखिए गद्दी लगी हुई है इसकी, देखिए नीचे भी देखिए ये बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल है ये, और ये पीछे भी देखिए कमर टेकने के लिए ये गद्दी लगी हुई है, ठीक है। और नीचे देखिए सपोर्ट लगा हुआ है, देखिए इसे मजबूती, देखिए इसमें सपोर्ट लगा हुआ है, पीछे भी देखिए और नीचे भी इसके एंगल लगे हुए हैं, ठीक है ये। तो देखिए कुछ लोग बताते हैं कि चेयर्स ये जो है हमारी कितने रुपये की पड़ी होगी, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए एक चेयर्स हमें कितने रुपये की पड़ी है, और ये पर सीट बन के बिल्कुल कम्प्लीट कितना खर्चा आया। देखिए जो चेयर्स है, आप सोचिए, आप देखिए लगाइए अनुमान कितने का पड़ा होगा ये चेयर। तो देखिए मैं बता दूँ आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, मुझे कुछ लेना देना तो है नहीं आपसे, ठीक है, आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा है। तो देखिए ये जो चेयर है हमारा, देखिए ये हमको पड़ा है 500 रुपये पर चेयर्स, ठीक है। ये हम लेकर आए थे 52 सीटें, हम लेकर आए थे 52 चेयर्स, तो ये हमें 500 रुपये पर चेयर्स पड़ गया है, ठीक है। और एक ऑफिस के लिए लाए थे अपनी चेयर्स, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो देखिए वो जो चेयर्स है हमारी, वो हमको मिला है 3000 रुपये का पड़ा है, ठीक है। लोग बताते हैं कि 5000 का मिलता है, 4000 का मिलेगा, और इस चेयर्स को आपको बताएंगे कि मुझे चेयर से 3000 की मिलेगी, नहीं सॉरी 700 की मिलेगी, 800 की मिलेगी, 750 की मिलेगी, 900 का मिलेगा, बहुत लोग ऐसे बताने वाले मिल जाएंगे। और आप ट्राई करने भी जाएंगे दुकान पर किसी मार्केट में, तो वो भी हाँ इतने ही का बताएगा, लेकिन अब जब इकट्ठा ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको लेकर आएंगे तो इसी रेट का पड़ेगा आप, ठीक है। देखिए इसकी ये स्पेस के बारे में बता दिया है मैंने, इसकी अंदर देखिए ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसके बारे में बता दिया, और जो अंदर होता है इसके बारे में बता दिया, हाइट के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है। और देखिए हाँ, वाईफाई आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा वाईफाई लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाईफाई हमने लगवाया है एयरटेल का, ठीक है। तो एयरटेल के नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं हमारे एरिया में, तो इसलिए हमने ये लगवाया है एयरटेल का। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए हमारा ये सेटअप है हमारा, देखिए ये, ठीक है, ये है इधर, और देखिए आप इधर देख सकते हैं, ये है देखिए इसी तरीके से ये है, और आप इधर देख सकते हैं, देखिए ये लगा हुआ है, देखिए यहाँ से ये, ठीक है, ये ठीक है, और ये लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए जो लाइट के बोर्ड्स वगैरह हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 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 लाइट का बोर्ड्स, देखिए ये हमारा ये जो है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये बोर्ड्स है हमारा लाइट का, इसमें इंडिकेटर भी लगा हुआ, लाइट आती है पता चलता है लाइट आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो बोर्ड्स है हमारा, ये इसमें 2 स्विच है, एक ये है बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो देखिए ये हमको 34 रुपये 50 पैसे का पड़ा है ये स्विच हमें, ठीक है।
तो आप यही वाला स्विच लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके की लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो उस बारे में जानकारी देने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है।